खबर उधम सिंह नगर से है। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। 40 वाहनों को चेक किया, 10 ओवरलोड वाहन सीज किए गए हैं। लूटर वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। तो नगर बता दे, उधम सिंह नगर से खबर है। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। 40 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें से 10 ओवरलोड वाहन सीज कर दिए गए हैं। और संवाददाता अनिल लगातार बने हुए हैं। अनिल, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है, ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी रितु, देखिए जैसा कि परिवेश है, उधम सिंह नगर जो जनपद है उसमें उदयपुर एक क्षेत्र आता है जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, और वहाँ से काफी सामान की आवाजाही होती है। दिन में भी रात में काफी जो है ट्रक वाहन निकलते हैं। तो आज उसी क्रम में शासन और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई और कई 40 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें 10 वाहन ओवरलोडेड मिले, जिनको सीज कर दिया गया है। ये एक बड़ी कार्यवाही के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल अनिल, क्योंकि ओवरलोड वाहनों की वजह से पहले कई हादसे भी हो चुके हैं। कई जगह हम देखते हैं हादसों का कारण मुख्य रूप से ओवरलोड होना बताया जाता है, खास तौर पर जो मजदूरों से भरी हुई पिकअप होती है, जरूरत से ज्यादा लोगों को उसमें भरना और फिर हादसे का शिकार होना। तो लगातार चेकिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? चेकिंग किस तरह से की जाती है? जिला प्रशासन हो चाहे परिवहन विभाग हो, किस तरह से आकस्मिक निरीक्षण करता है? और जो साथी बताइएगा कि जो वाहन मालिक है वो रूल्स को कितना फॉलो करते हैं? देखिए रितु, इसमें वाहन मालिकों की अगर हम बात करते हैं, वाहन मालिक हमेशा इसी स्वार्थ के बस कार्य करते हैं कि अगर मान लीजिए जितना सामान अधिक जाएगा तो उनको अधिक किराया वसूल करके और उनको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसी अंधेरा की इसी वजह से वो लोग जो है इसी लालच में काम करते हैं, और जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं। ओवरलोडिंग की वजह से काफी कई बार ट्रक पलट जाते हैं, जिससे कई दुर्घटना होती है। तो आज उसी क्रम में जो शासन है और जो प्रशासन के द्वारा की गई है संयुक्त कार्रवाई, उसमें यही होता है, एक पूरा एक पैमाना होता है कि भाई अगर एक ट्रक में है तो ट्रक के लिए इतना ही माल आप लेकर के जा सकते हैं। तो उसकी बाकायदा जब चेकिंग होती है तो उसको पूरा कांटे पर उसको वजन को तोला जाता है, तब उसके बाद जो है अगर मान लीजिए ओवरलोड है तब उसके खिलाफ वो सबूत देते हैं, तब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी रितु, बिल्कुल अनिल बने रही आपके पास, फिर लौटेंगे। तो ओवरलोड वाहनों को लेकर कार्रवाई की गई है, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है। 40 वाहनों को चेक किया गया इस अभियान के अंतर्गत, जिसमें से 10 वाहन ओवरलोड पाए गए, जिन्हें सीज कर दिया गया है। तो लोडर वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है।